वो कैसी औरतें थीं। वो कैसी औरतें थीं जो गीली लकड़ियों को फूंक कर चूल्हा जलाती थीं, जो सिल पर सुर्ख मिर्चें पीसकर सालन पकाती थीं, सुबह से शाम तक मसरूफ लेकिन मुस्कुराती थी। वो कैसी औरतें थीं भरी दोपहर में सर अपना ढककर मिलने आती थी, जो पंखे हाथ के जलती थीं और बस पान खाती थी, जो दरवाजे पे रुककर देर तक रस्में निभाती थी। वो कैसी औरतें थीं पलंगों पर नफासत से दरी चादर बिछाती थी, बसद इसरार मेहमानों को सिरहाने बिठाती थी, अगर गर्मी ज्यादा हो तो रूह अफजा पिलाती थी। वो कैसी औरतें थीं जो अपनी बेटियों को स्वेटर बुनना सिखाती थी, सिलाई की मशीनों पर कड़े रोजे बिताती थी, बड़ी प्लेटों में जो इफ्तार के हिस्से बनाती थी। वो कैसी औरतें थीं जो कलमे काढ़ कर लकड़ी के फ्रेमों में सजाती थी, दुआएं फूंक कर बच्चों को बिस्तर पर सुलाती थी और अपनी जा नमाजें मोड़ कर तकिया लगाती थी। वो कैसी औरतें थीं कोई साहिल जो दस्तक दे उसे खाना खिलाती थी, पड़ोसन मांग ले कुछ बाखुशी देती दिलाती थी, जो रिश्तों को बरतने के कई नुस्खे बताती थी। वो कैसी औरतें थीं महल्ले में कोई मर जाए तो आंसू बहाती थी, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके पास जाती थी, कोई त्यौहार हो तो खूब मिलजुल कर मनाती थी। वो कैसी औरतें थीं मैं जब घर अपने जाती हूँ तो फुर्सत के जमानों में उन्हें ही ढूंढती फिरती हूँ गलियों और मकानों में, किसी मीलाद में, जुजदान में, तस्बीह दानों में, किसी बरामदे के ताक पर बावर्ची खानों में, मगर अपना जमाना साथ लेकर खो गई है वो, किसी कब्र में सारी की सारी सो गई है।